बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम नाज़रीन, ईडन गार्डन टाइम्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। आपको ईडन गार्डन टाइम्स के इलेक्शन सेल में खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के इलेक्शन इंतहाई करीब आ चुके हैं और हमने आपके लिए कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हल्कों से साबका इंतहाबात बनाने की वीडियोज़ का अमल शुरू कर रखा है। आज इस सिलसिले की हमारी वीडियो है वीडियो नंबर 172, वीडियो नंबर 172, और आज हमारा कौमी असम्बली का हल्का है NA 172 रहीम 11-4, NA 172 रहीम 11-4। मोहतरम नाज़रीन, कौमी असम्बली का यह हलका सूबा पंजाब के ज़िला रहीम यारहां के मुख्तलिफ इलाकों पर मुश्तमिल है। इस हलका में रहीम यारहां शहर समेत तहसील रहीम यारहां के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। 2018 के इंतबात में इस हलके का नाम NA 179 रहीम यारहां 5 था, NA 179 रहीम यारहां 5, और अब 2024 के इंतबात में इस हलके का नाम है NA 172 रहीम यारहां 4, NA 172 रहीम यारहां 4। तो इसका ओल्ड नेम NA 179, NA 179, और न्यू नेम NA 172, NA 172। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपको इस हलके से साबका इंतहाबात की डिटेल दें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सकें। तो आगे बढ़ते हैं साबका इंतहाबात की तरफ। 10 अक्टूबर 2002 इस हलका से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी जफर इकबाल वड़ाइच कामयाब हुए। इन्होंने वोट हासिल किए 48,896। अगले इंतहाबात 18 फरवरी 2008 को हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जवेद इकबाल वड़ाइच ने कामयाबी अपने नाम की, वोट हासिल की है 50,090। इससे अगले इंतहाबात 11 मई 2013 को हुए तो PMLN के मियां इम्तियाज अहमद ये जीते। इन्होंने PMLN के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और कामयाबी अपने नाम की, वोट हासिल की है 1,06,595। अब आगे बढ़ते हैं 25 जुलाई 2018 को होने वाले आखिरी इंतबात की तरफ। 12 उम्मीदवार मैदान में उतरे लेकिन 9 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने 4,000 से कम वोट लिए। PMLN के मियां इम्तियाज अहमद, इन्होंने वोट हासिल किए 88,871, 88,871, और ये रनर अप रहे। जीतने वाले उम्मीदवार PTI के जवेद इकबाल वड़ाइच, इन्होंने वोट हासिल किए 1,10,870, 1,10,877। इस तरह से 2018 के इंतबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जवेद इकबाल वड़ाइच कामयाब हुए। अब हम कुछ आदादोशुमार आपको बता दें। पॉपुलेशन यहाँ की 8,43,794, रजिस्टर्ड वोटर्स 4,42,531, मेल वोटर्स की तादाद 2,45,625 और फीमेल वोटर्स की तादाद 1,96,906। वोट डालने की शरह यानी टर्नओवर रहा 59.6 और मेजॉरिटी हासिल की जवेद इकबाल वड़ाइच ने। PTI का ताल्लुक 22,006 वोट की अक्सरियत 22,006 वोट के मार्जिन से इन्होंने ये सीट अपने नाम की। नतीजा ये रहा कि PTI ने यह सीट PMLN से हासिल कर ली। 2013 के इंतबात में PMLN जीती थी और अब 2018 के इंतबात में PTI ने PMLN से यह सीट छीन ली। तो मोहतरम नाज़रीन, यह हवाला था आपके हल्के से साबका इंतबात का। आपसे गुजारिश है कि अपने फेवरेट कैंडिडेट, अपनी पसंदीदा पार्टी और इलाके में डेवलप होती हुई पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। हम आने वाली वीडियोस में आपके पॉलिटिकल कैंडिडेट्स की डिटेल्स और पॉलिटिकल सर्वे लेकर आ रहे हैं आपके हल्के के। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।